हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, वो भी बिना खोए के ही। तो ये हमने मार्केट से गुलाब जामुन का जो पाउडर आता है वो हमने लिया है, ये आधे किलो का पैकेट है। तो इससे हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो ये हमने पूरा पाउडर ले लिया, इसमें थोड़ी सी सूजी और ऐड करेंगे। सूजी से गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसमें थोड़ी सी सूजी मिक्स करेंगे। और ये हमने पैकेट लिया है, आप मार्केट से ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का गुलाब जामुन का पैकेट आता है ये। और उसे गुनगुने दूध से इस तरह से मारना, जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से इसको लगाना है। तो धीरे धीरे हाथों से हम इस तरह से आटे की तरह गुलाब जामुन के, ये जो हमने गुलाब जामुन का पाउडर लिया हुआ है, इसको अच्छे से मार लेंगे आटे की तरह। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से मार लें, एकदम दूध ना डालें। अगर आप एकदम दूध डालेंगे तो आपका ये आटे की तरह जो पाउडर है ये आपका पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस तरह से मारें, जिस तरह से आटा मारते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा मर चुका है। अब इसमें थोड़ी सी कसर है, वो हम थोड़ा सा दूध डालकर जैसे आटा लगाते हैं अच्छे से गूंथते हैं, इसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, और देखिए देखने में बिल्कुल खोआ जैसा लग रहा है। आप देखकर पहचान सकते हैं कि खोआ नहीं है, और ये एक गुलाब जामुन बनाने का पाउडर है, ये खोआ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ये गुलाब जामुन का ये आटा लग चुका है अच्छे से पाउडर का। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। हम बना रहे हैं गुलाब जामुन की चाशनी, तो उसके लिए हमने डाला ये आधा गिलास पानी, और यहाँ गैस जला दी। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम अंदाजे से डाल देते हैं, हमने डाली है यह आधी किलो करीबन चीनी। तो यहाँ हमने आधी किलो चीनी डाली है और आधा गिलास पानी डाला है, और इसको मेल्ट होने के लिए गैस पर हमने रख दिया है, बिल्कुल स्लो गैस पर। तो जब तक ये मेल्ट होती है तब तक हम गुलाब जामुन बना लेते हैं, किस तरह से गुलाब जामुन बना लें। तो हमने जो गुलाब जामुन का पाउडर लिया था उसे मल लिया था, अब इससे हम गुलाब जामुन किस तरह से बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिए इलायची और जो बतासे हैं उसका चूरा लिया है, और मार्केट में बतास छोटे वाले बतासे भी आते हैं गुलाब जामुन के, लेकिन हमने हमारे पास वो नहीं थे, हमारे पास बताशों का चूरा था, तो हमने वो लिए हैं और इलायची लिए। और इससे हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, और वो किस तरह से बनाएंगे वो हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ ये आटा है जो, इसको इस तरह से पहले जैसे लोई बनाते हैं पूड़ियों की, उस तरह से लोई बना लें, इस तरह से लोई बना लें। जिस साइज के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं आप उसी साइज के लोई तोड़ें। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप छोटी लोई तोड़िए, अगर आपको बड़ी बनाने हैं गुलाब जामुन तो आप बड़ी लोई तोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये लोई तोड़ ली, तो एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। आपको इस तरह से जैसे कचौरियाँ भरते हैं उसी तरह से आपको इसमें स्टफिंग भरनी है बताशे और इलायची की। इलायची से महक बहुत अच्छी आती है, और बताशे से जो चाशनी होती है वो इसके अंदर जब रहती है तो गुलाब जामुन टेस्टी बनते हैं, और गुलाब जामुन में टेस्ट बना रहता है अच्छा। तो इस तरह से इसको गोल आकार दे दें, जैसे गुलाब जामुन होते हैं। तो ये हमारे गुलाब जामुन बन चुका है। इस तरह से हम बनाकर सारे गुलाब जामुन इसी तरह से बनाकर रख लेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंगे गुलाब जामुनों को। तो आप देख सकते हैं ये चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, अब चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे गैस पे, स्लो गैस पर, और एक तार की चाशनी बना लेंगे गुलाब जामुन के लिए। और यहाँ मैंने गुलाब जामुन सेकने के लिए रिफाइंड डाल लिया है कढ़ाई में रिफाइंड डाल लिया है, और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके बाद ये गुलाब जामुन जो मैंने बना लिए हैं इनको इसमें सेक लूंगी, और यहाँ चाशनी में डालेंगे केसर। केसर से बहुत अच्छा कलर आता है चाशनी में। तो यहाँ हमारा रिफाइंड भी गर्म हो चुका है, और ये हमने गुलाब जामुन जो बनाए हैं वो सेकने के लिए डाल देंगे एक एक करके।
गुलाब जामुन जब भी सेके तो हल्के हाथ से सेके, एकदम जो कलछली है गुलाब जामुन पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी कलछली गुलाब जामुन पे पड़ जाएगी तो ये फट जाएंगे और आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो जब भी आप गुलाब जामुन बनाए इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, अगर आपको अच्छे और बढ़िया गुलाब जामुन बनाने हैं। तो आप इनका कलर देख सकते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन बन रहे हैं। और इसको गोल्डन ब्राउन ही मतलब सेकना है। अगर आप काले कर देंगे तो ये गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, इसका कलर यही रखना है। अब ये अच्छे से सिक चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद ठंडे होने के लिए रख देंगे, उसके बाद चाशनी में डालेंगे। अगर हम गरम गरम चाशनी में डाल देंगे गरम गरम ही गुलाब जामुन तो ये फट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। आपके गुलाब जामुन बिल्कुल फटे फटे से लगेंगे, तो ये ना खाने में टेस्टी लगेंगे और ना देखने में टेस्टी लगेंगे। तो हमें ये छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखना है अगर अच्छे गुलाब जामुन बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ही कितना अच्छा आया है गुलाब जामुन का, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। और कोई देख के कह भी नहीं सकता है कि ये खोए के गुलाब जामुन नहीं है, ये पाउडर के गुलाब जामुन है। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका एक भी गुलाब जामुन फटेगा नहीं और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल गोल और बढ़िया बनेंगे और ना चाशनी में फटेंगे ना सेकते टाइम फटेंगे आपके गुलाब जामुन। तो यहाँ गैस पे बहुत टाइम हो गया, चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसमें भी पड़ गया है एक तार, तो ये हमारी एक तार की चाशनी बन चुकी है गुलाब जामुन की। गैस को कर देते हैं बंद और अब स्टार्टिंग से वहीं आ जाते हैं जो हम गुलाब जामुन बना रहे थे और इसमें स्टफिंग भर रहे थे। इसी तरह से हम सारी स्टफिंग भर लेंगे और सारे गुलाब जामुनों को सेक लेंगे। क्या आपके गुलाब जामुन भी फट जाते हैं? अगर हाँ तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपके गुलाब जामुन भी इतने बढ़िया ही बनेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लीजिए गुलाब जामुन तैयार है, अभी ये चाशनी में और डले जाएंगे। तो अभी हम इन गुलाब जामुनों को निकाल लेते हैं। यहाँ ये हमारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं, अब इनको चाशनी में डालकर चाशनी भरेंगे और उसके बाद चाशनी चढ़ाकर अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ हम पहले चाशनी चढ़ा लेते हैं गुलाब जामुनों पर। तो ये लीजिए हमारे गुलाब जामुन तो बनकर रेडी हो चुके हैं और हमने इसमें चाशनी भी चढ़ा ली है। तो ये तैयार है हमारे बिना खोए वाले गुलाब जामुन। आपको गुलाब जामुन फोड़ कर भी दिखा देते हैं, देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब जामुन बने हैं। घर पर ये हमने बनाया वो भी बिना खोए के। अगर आपको खोए वाले गुलाब जामुन देख रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल पर है। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो हम आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे उस गुलाब जामुन की रेसिपी के।